रेसबेरी पाई, काफी लोग पूछ रहे थे कि रेसबेरी पाई की यूजेस क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे रास्पबेरी पाई है क्या। रास्पबेरी पाई एक छोटा सा कंप्यूटर है जो कि एक फुल फ्लैश कंप्यूटर भी बन सकता है और आपके पॉकेट में भी आ सकता है। इतना छोटा सा जो आप कंप्यूटर देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो मेरे हाथ में इतना छोटा सा रास्पबेरी पाई कंप्यूटर अवेलेबल है। ये रास्पबेरी पाई जो है पाई फाउंडेशन की तरफ से बनाया गया है। ये बेसिकली एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है, जहाँ पर आप बहुत सारे प्रोग्रामर्स इसे यूज़ करते हैं, स्टूडेंट्स इसे यूज़ करते हैं। ज़्यादातर इसे प्रोग्रामिंग वगैरह करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये लो कॉस्ट छोटा सा एक कंप्यूटर है जो कि एक फुल फ्लैश कंप्यूटर के जैसे काम करता है। आप यहाँ पर अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को वगैरह यहाँ पर सीख सकते हो और उसमें काम कर सकते हो, जैसे कि आप C++, पाइथन, जावा और आप इसमें अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को भी चला सकते हो। बात करें इसके एडवांटेजेस के, तो क्वाड कोर प्रोसेसर कॉर्टेक्स A72 64 बिट, इसमें 1.5 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड है, जहां पर आपको इसमें 2GB, 4GB और 8GB रैम आपको देखने के लिए मिलता है। और इसी के साथ eMMC की फ्लैश मेमोरी भी आपको इसमें देखने के लिए मिलती है। आप इसमें माइक्रो SD कार्ड भी डाल सकते हो और आपको साथ ही साथ ब्लूटूथ और वाईफाई का भी सपोर्ट मिल जाता है। इसी के साथ इसमें HDMI पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट, हेडफोन जैक्स और USB पोर्ट भी इसमें देखने के लिए मिलता है। और इसमें खास बात क्या है कि इसमें आपको GPIO पिंस भी मिलते हैं। तो आप यहाँ पर GPIO पिंस जो है जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिंस हैं, तो इन पिंस की मदद से हम अलग अलग वेरियस प्रोजेक्ट्स को कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसमें अलग अलग पिंस की मदद से काम करते हैं, तो यहाँ पर हमें 26 पिंस मिलते हैं। तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो जान सकते हैं कि इस पिंस को कैसे यूज़ किया जा सकता है। इसमें अलग अलग सेंसर्स को जोड़कर हम प्रोग्रामिंग वगैरह कर सकते हैं। और एक रास्पबेरी पाई की खास बात बताऊँ तो यहाँ पर रास्पबेरी पाई का जो पिन मोड है वो बहुत ही बेस्ट है। रास्पबेरी पाई में प्रोग्रामिंग के साथ आप 4K वीडियोस भी देख सकते हो 60fps के साथ। तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि रास्पबेरी पाई में रास्पबियन का ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, जो कि आपको रास्पबेरी पाई के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसी के साथ अगर आप दूसरा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डालना चाहते हो, जैसे कि लिनक्स वगैरह, तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। वेल, उसके बाद मैं और एक बात बता दूं, लेकिन यहाँ पर आप विंडोज़ को यूज़ नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ पर विंडोज़ का सपोर्ट इसे नहीं मिलता। बेसिकली ये रास्पबेरी पाई जो है अलग अलग प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख रहे हो, प्रोग्रामिंग के ऊपर प्रोजेक्ट बना रहे हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट बना रहे हो, जैसे कि IoT होम ऑटोमेशन सिस्टम बना रहे हो। इसी के साथ अगर आप प्रोग्रामिंग में आगे जाना चाहते हो या फिर आप कुछ इससे इनोवेशन करना चाहते हो, तो वो भी आप इसमें कर सकते हो। रास्पबेरी पाई आपको दिखने में बहुत छोटा लग रहा है, बस फुल फ्लैश कंप्यूटर के जैसे आपको पूरा सपोर्ट मिल जाएगा। तो बात करें रास्पबेरी पाई के कुछ डिसएडवांटेज की, तो यहां पर मैं बता दूं कि रास्पबेरी पाई में अगर आप कंटिन्यूअसली वर्क करते हो या फिर इसमें कोई भी लोड वगैरह डालते हो, तो थोड़ा बहुत यहां पर हीटअप हो जाता है, जो कि यहां पर कोई भी इसमें इनबिल्ट हीट सिंक वगैरह नहीं होने की वजह से थोड़ा यहाँ पर हीट हो जाता है, बट ज़्यादा नहीं, बहुत ही रेयर कंडीशन में ये हीटअप हो जाता है। इसमें और एक मुझे पर्सनली जो डिसएडवांटेज लगा, यहाँ पर हमें विंडोज़ का सपोर्ट नहीं मिलता, तो यहाँ पर हम विंडोज़ को इसमें चला नहीं सकते। बट यहाँ पर जो लिनक्स के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को और साथ ही साथ जो रास्पबियन ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे बहुत ही अच्छे से चला सकते हैं। पहले अगर आप इस रास्पबेरी पाई को परचेस करना चाहते हो, तो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन 3000 to 4000 तक आपको मिल जाता है। ये प्राइस जो है अलग अलग जगह अलग अलग होता है। वेल, बात करें किसे रास्पबेरी पाई लेना चाहिए। अगर आप फुल फ्लैश कंप्यूटर लेना नहीं चाहते, अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो, आपका बजट अगर कम है, 3000 to 4000 आपका बजट है, अगर आपके पास मॉनिटर या फिर TV अवेलेबल है, तो उससे आप जुड़ाकर इस रास्पबेरी पाई को फुल फ्लैश कंप्यूटर के जैसे यूज़ कर सकते हैं। वेल, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ, तो मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।